हालांकि सड़क पर भटकते इन मासूमों में से कुछ खुश नसीब हैं जिन्हें किसी एनजीओ का सहारा मिला हुआ है, लेकिन ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा नहीं। तेरह साल की भावना नन्ही उम्र में अपनी माँ के साथ मुंबई आई थी। माँ छोड़कर कब कहाँ गई इसे कुछ याद नहीं। जिंदगी पहुँच गई इन जैसों की हालत में। बहुत धीरे से मैं ऐसा थी, मतलब मेरे पास अभी इस साल मेरे पास अच्छा अच्छा सब है। उस साल तो कुछ भी नहीं था, फटा कपड़ा पहनती थी मैं। रास्ते पे जहाँ पे बस स्टॉप होते उस साइड में सोना पड़ता था, वो भी बारिश के दिन भी वहाँ पे सोना पड़ता था, फिर मच्छर भी बहुत काटते थे वहाँ पे। एक एनजीओ का साथ मिला तो अब जिंदगी में नया रंग है। मैं बड़ियों की मिस इंडिया बनी। भावना जैसे वक्त से विश्वजीत भी गुजर चुका है। विश्वजीत अपने उस परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर चुका है जो उसे छोड़कर कहां गया पता नहीं। एक दिन मैं भीख मांग रहा था, मेरे पापा है, मेरे से पैसा छीन लिए। मैं फिर पापा के पीछे पीछे गए ना, पापा तो किधर ट्रेन पकड़ के किधर चला गए, अपना अच्छा घर लिए और रहने लग गए। हम लोग तीन जन ऐसे रहने लग गए। फिर मेरी माँ बीमार हुई, मैंने पैसा जमा किया, फिर दवा खाना गया लेके मेरी माँ को। ऐसे 44 बच्चों को मलाड के उस एनजीओ का सहारा मिला जो बेघर बेसहारा बच्चों की बेहतरी के लिए काम करता है, लेकिन लाखों की तादाद में भटकते बच्चों के लिए ये शायद ऊंट के मुंह में जीरा है। मुंबई से महक जैन, NDTV इंडिया।